सरकारी स्कूलों में पिछले 12 सालों से पढ़ा रहे अतिथि अध्यापकों को नौकरी से हटाए जाने के विरोध में अतिथि अध्यापकों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताया। पहले अतिथि अध्यापकों ने सड़कों पर झाड़ू लगाया और फिर उन्हीं झाड़ुओं को आग के हवाले कर उसके बाद महिला अध्यापकों ने विरोध स्वरूप अपने दुपट्टे जला दिए। अतिथि अध्यापकों को हटाए जाने के बाद वो लगातार सड़कों पर है। अभी एक दिन पहले विरोध स्वरूप पुरुष अध्यापकों ने अर्धनंगन होकर प्रदर्शन किया था। वहीं इन अध्यापकों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निरंकारी भवन से लेकर फौरा चौक तक सड़कों पर झाड़ू लगा विरोध करते हुए पहले सफाई अभियान के बाद झाड़ू जला दिया और उसके बाद उसी आग में महिला टीचर्स ने अपने दुपट्टे जला दिए। गेस्ट टीचर्स की तरफ से ये पहला अनूठा प्रदर्शन था जिसमें महिला अतिथि अध्यापकों ने नौकरी छीने जाने के कारण सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि आज बेटियां सुरक्षित हैं तो अपनी इज्जत को कैसे सुरक्षित करें। सरकार ने उनसे सब कुछ छीन लिया। हजारों की संख्या में महिला आज अपने रोजगार के लिए सड़कों पर मारी मारी फिर रही है। उनकी इज्जत तो नौकरी छीनने के साथ ही चली गई और बच्ची कुची सड़कों पर धक्के खाकर चली गई। 11 साल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद बाहर का रास्ता दिखाकर सरकार ने उनके परिवारों को बर्बाद कर दिया। अब हम लोग अपने परिवारों को लेकर कहां जाएं? हम अपनी आयु की नौकरी वाली सारी उम्र को पार कर चुके हैं। हमारी इस हालत के लिए केवल हरियाणा सरकार ही जिम्मेदार है। आज मैं नौकरी से पूरा सारे के सारे निकल गए हैं जितने भी टीचर्स थे यहाँ पे। हमारी एक मांग है कि हमें अपनी नौकरी में वापस लिया जाए और हमें अपने जिले में ही रहना, किसी दूसरे जिले में नहीं जाना। तार के यहाँ पे जला दिया और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ये बेटी बचाओ ये सड़कों पे लाओ, सड़कों में बेटियां झाड़ू मार रही हैं, बेटी बचाओ सड़कों पे लाओ। बेटियां बचाने का मतलब क्या? आज हम सड़कों पे आगे आ गए हैं और फिर कहते हैं बेटियों को बचाने चाहिए। किस लिए बचाना चाहिए? टंटों के लिए बचाना चाहिए। आज हम रोजगार के लिए सड़कों पे आ गए, इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है इसकी। मैं यही कहूंगी वो लड़की जिसे गर्भ में पल रही हो और चेकिंग पहले ही नहीं होनी चाहिए, जिसकी 2 साल 10 साल की लड़की है सर के सर खड़ा कोड़ के मारा जाए उस लड़की को। मानने वाली रीत आनी चाहिए, लड़कियों की इच्छा नहीं है फिर फायदा क्या लड़कियां पैदा करने का? और माँ बाप इतने शौक से लड़कियों को पाल दिया हमारा कसूर क्या है हमें ये बताओ अभी। मैडम जी मास्टर जी आपका ये कसूर है, 12 साल से हम इस जिले में काम कर रहे हैं और जो हमने स्कूलों में बच्चे पढ़ाए हैं इसलिए पढ़ाए वो बच्चे कि चलो कल किसी गरीब का काम बन जाए हैं। ये थोड़ा भी सारी सीटें हमने तैयार करी स्कूल की बिल्डिंग हम तैयार करी, आगे दूसरे जिले के लोग बैठ जाए दिखाया, इतना समझदार बनाया और आज सरकार कहती है निकलो बाहर, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, हम बाहर से दूसरे ले आएंगे, दूसरे जिलों के हमारे अतिथि अध्यापक निकाल दो इन्हें बाहर, दूसरे अध्यापक आके काम करेंगे यहाँ। क्या मतलब है ये सरकार का? ये चाहती है सरकार सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया हर औरत को इस सरकार ने। यही कहना चाहूंगी सरकार से कि हम 12 साल से इस सर्विस पर थे और हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से पूरी ही कर्मण्यता से अपने कार्य को ईमानदारी से निभाया, तो आज हमारी तनख्वाह इनको बोझ क्यों लग रही है? क्या हमारी तनख्वाह बोझ है जो हमसे डबल तनख्वाह ले रहे हैं? क्या उनकी तनख्वाह बोझ नहीं है? हमारा क्या कसूर था? एक कसूर हमारा बता दिया जाए कि हमें नौकरी से क्यों निकाला गया? आज हम उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि हम और किसी जगह जा रहे हैं और सभी लोग किसी सैलरी के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, उनके बच्चे उनकी उनकी शिक्षा सब कुछ इसी सैलरी के ऊपर है, घर का राशन पानी इसी सैलरी से आ रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? हमने सड़कों पर ही झाड़ू मारे हैं, आज हमने झाड़ू मारकर यही सब प्रदर्शित किया है कि हम बेरोजगार हो चुके हैं और दुपट्टे जलाकर हमने ये प्रदर्शित किया है, सरकार को ये दिखाया है कि आप जो कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी की इज्जत रह गई है जो बेटी सड़कों पर अपने दुपट्टे जला रहे हैं? सब ऐसे तो ऐसे तुम्हें शर्म से टूट कर मर जाना चाहिए। यमुनानगर से नेशनल बस के लिए सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट।